विजय किशन सर, ये जितनी भी सारी जो कवायदे हो रही हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी जितने भी कदम उठा रही है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि वो लगातार हम लोग उसको देख रहे हैं कि वो सारा उनके लिए ही उल्टा पड़ रहा है, उनके लिए मुसीबत बन रही है। सर, ये अब आरोप इन दलों ने लगाना शुरू कर दिया है कि ये जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं वो सब जो है राजनीतिक दबाव के लिए की जा रही है, और ये पूरा जो है मोदी सरकार की हताशा के प्रतिक्रिया स्वरूप ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो क्या अगर ये चीजें, ये मैसेज अगर विपक्ष पहुंचाने में लोगों के बीच में कामयाब हो जाता है तो इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? जो ये आज की कार्रवाई हुई है, जो तमिलनाडु में जो बालाजी के खिलाफ जो हुई है, ये पूर्वापेक्षित थी कार्रवाई। क्योंकि आप देख लीजिए, सत्ता 2024 में सत्ता दोबारा प्राप्त करने के लिए जो भाजपा की साम दाम दंड भेद की नीति है, उसी की तरह की ये कार्रवाई है। आप शुरू से देख लीजिए, 2014 से लेके अब तक बीच बीच में जितने नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती थी, ईडी की चाहे सीबीआई की, उसमें भी किस तरह से उसके बाद के जो एक्शन है, अगर आप सारी चीजों को एक सीक्वेंस में देखें, तो ये निश्चित रूप से ये दबाव की कार्रवाई है। और 23 तारीख को जो पटना में होने वाली मीटिंग है अपोजिशन के लिए, मेरा अपना मानना है कि अपोजिशन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरह की दबाव की कार्रवाई के आगे, जैसा कि वो विजय सिंह साहब ने अभी कहा कि वो मतलब उसको या तो उनका डर खत्म हो गया, वो पूरी तरह फेस करने के लिए तैयार है, या उसमें कुछ लोग दबाव में आ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग अतीत में आ भी चुके हैं। आप यूपी में बसपा का हाल देख लीजिए, इवन आप अभी देखिए तेलंगाना में जो केसीआर की बेटी के साथ बीटी की पूछताछ, उसके बाद वो मामला ठंडा पड़ गया है। और केसीआर का, नवीन पटनायक का और जगन रेड्डी के खिलाफ अभी कुछ, नवीन पटनायक के खिलाफ तो मान लीजिए कुछ ऐसा नहीं बात है, क्योंकि उनका तो पहले से लगता है कि सॉफ्ट कॉर्नर है ही है उसके साथ। लेकिन तेलंगाना और आंध्र की दोनों गवर्नमेंट में, वहां पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर जो है वो सरकार का क्या रुख है भारत सरकार का, तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम साफ समझ में आ रही है, बिल्कुल आईने की तरह साफ है। ये पूरी तरह दबाव की राजनीति है कि कौन उस दबाव में टूट जाता है, कौन कंप्रोमाइज कर लेता है, कौन बैकफुट पे चला जाता है। क्योंकि ये जो अपोजिशन यूनिटी होने जा रही है, मतलब अभी तो हम यही कह सकते हैं कि होने जा रही होगी कि नहीं होगी, तो 23 के बाद पता चलेगा कि उसकी यूनिटी में कितने दल आते हैं, उसकी शक्ल क्या होती है। तो ये भाजपा के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। और 1-to-1 जैसे बात चल रही है कि चुनाव में होगा, अभी देखिए ईडी की कार्रवाई और होगी, नहीं होगी जिनके पास, उनको ये भय दिखाया जाएगा सीबीआई ईडी का, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो। हो सकता है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी अभी कुछ दिन में और हो जाए, कुछ गंभीर कार्रवाई हो जाए, क्योंकि जांचें तो सब चली नहीं है। और एक चीज देख लीजिए, पहले जो ये कार्रवाई शुरू हुई थी सिलेक्टिव, अगर आप सभी लोग उस पर गौर फरमाएंगे, तो ये हुआ था कि इन छोटी छोटी कार्रवाइयों से कुछ लोगों पे करके पहले अपोजिशन को पूरी तरह डिमोरलाइज कर दीजिए कि देखिए ये तो बहुत करप्ट पार्टी है और ये करप्शन में सब लोग। लेकिन जो विजय सिंह साहब कह रहे थे कि जब वो एक ही डंडे से सबको हांकने लगे, सभी को उसमें जब एक साथ उन्होंने कर दिया, तो उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि पूरे देश में अपोजिशन को पूरी तरह से डिमोरलाइज कर दीजिए, बैकफुट पे कर दीजिए, या ये कहिए कि उसको क्रश कर दीजिए, ताकि अपोजिशन कोई सामने रही न जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए देश में चाहे ये जितनी कोशिश कर ले, डेमोक्रेसी की जड़ें तो कुछ है ही है, और पब्लिक में परसेप्शन जो इनका बन रहा है वो धीरे धीरे अब यही हो रहा है कि भाई जो भी इनके खिलाफ होगा वो या तो देशद्रोही होगा और या करप्ट होगा, जो इनके साथ होगा वो कहीं से करप्ट नहीं होगा और वो बहुत बड़ा देशभक्त होगा। तो ये जो सेलेक्टिव कार्रवाइयां इनकी हो रही है, अब इनके लिए ये उल्टा पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि कोई भी तो आधार होना चाहिए किसी चीज का। अच्छा, दूसरा ये कि स्टालिन, सिद्धार्थ जी बताएंगे उसके बारे में, तमिलनाडु में जितनी मजबूत स्थिति में है वो, पिछली बार उनकी बीजेपी की, सर सिद्धार्थ जी कितनी सीटें थी तमिलनाडु में? चार सीट थी ना, लेकिन अब स्टालिन और कांग्रेस के साथ इलेक्शन होगा
तो मुझे नहीं लगता कि वो चार सीट भी मिल पाएंगी बीजेपी को। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं? जी जी नहीं, विधानसभा की बात कर रहे हैं ना, लोकसभा में तो सीटें नहीं। नहीं लोकसभा की नहीं, लोकसभा में कोई सीट नहीं। नहीं लोकसभा, अच्छा लोकसभा में तमिलनाडु में कोई सीट नहीं। नहीं तमिलनाडु में कोई सीट नहीं थी। तो उस स्थिति में कि आज स्टालिन वहां बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कांग्रेस और स्टालिन का जो गठबंधन वो तो आप पहले से भी ऑलमोस्ट तय ही है, लेकिन ये जो गठबंधन होगा तो एक एक स्टेट में जो बीजेपी की सीटों का इरोजन होने वाले गठबंधन से जो दिखाई दे रहा है, अब उनके पास अपोजिशन से लड़ने के लिए दूसरा चारा क्या है? क्योंकि चार साल निकल गए हैं, अब पब्लिक वेलफेयर की स्कीमें जितनी है वो चार साल में जनता ने उसका स्वाद ले लिया है, अब ऐसी कोई आखिरी साल में नई चीज नहीं आ जाएगी जिससे पब्लिक पे बहुत ज्यादा असर पड़े। क्योंकि आप देखिए बीजेपी के लोग प्रवक्ता हो चाहे वो हो कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं पटना में, सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो आखिर ये चीज जो बार बार वो अपनी प्रोपोगंडा ये चला रहे हैं कि सारा भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं, तो उसके पीछे उनके पास अस्त्र कौन सा है इसको करने के लिए? ये ईडी सीबीआई है, ये कार्रवाई तो होगी, बढ़ेगी, अभी अभी देखिएगा और लोगों पे बढ़ेगी और अब बड़ी तेजी से ये काम शुरू होगा। और खासतौर से जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जो रिपोर्ट आ रही है चुनावों को देखते हुए कि कहीं कर्नाटक से ज्यादा बुरी स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न हो जाए, तो उसके चलते तो ये और ज्यादा कार्रवाई होगी। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नजदीकी लोगों पर रेड हुई थी, जो उनके कुछ प्राइवेट स्टाफ के ऊपर कहीं रेड हुआ था, वो हो सकता है फिर शुरू हो जाए। ये कार्रवाइयां तो अब चलेगी, अब अपोजिशन को देखना है कि कितनी बहादुरी और दृढ़ता के साथ इसका मुकाबला करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने 13 जून को ही सबको एक मंच पे ला दिया, तो देखिए मंच पे तो अंदर अंदर सब लोग ये महसूस कर रहे थे कि अब बिना यूनिटी के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब सब लोग उसके सिकंजे में आने लगे तो धीरे धीरे सबको ये महसूस होने लगा कि शायद अगर इस इलेक्शन के पहले अब ये लोग यूनाइट होकर उसका मुकाबला नहीं कर सके तो फिर आगे क्या भविष्य होगा अपोजिशन का, उसका भगवान ही मालिक है। जी राजा जी, विजयकेश सर, जो एक चर्चा चल रही है लगातार समय से पहले चुनाव कराए जाने को लेकर के, तो आखिर समय से पहले चुनाव कराया जाना भारतीय जनता पार्टी की क्यों जरूरत बनती जा रही है, इसको लेकर के कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हार का जो डर है उसका जिक्र भी किया जा रहा है, तो क्या ये समय से पहले अगर चुनाव कराए जाने की संभावना जिस तरीके से चर्चा में है, क्या वो भाजपा का डर है या फिर कुछ और? देखिए ऐसा समय से पहले जो चुनाव कराने की बात है ना, मुझे लगता है कि एक शिकुफा है बीजेपी, कारण बता दें। एक तरफ तो ये बात है कि मान लीजिए तीनों स्टेट में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, और कांग्रेस तीनों स्टेट अगर जीतती है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश में कि बीजेपी यहां कमजोर हो गई, लेकिन वहीं पे काउंटर बीजेपी ये करती है कि भाई देखिए प्रदेशों में तो ठीक है विपक्षी दल जीत जाते हैं कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन सेंटर में मोदी के अलावा भी कोई विकल्प नहीं है, और वो पीछे के इलेक्शन का एग्जाम्पल भी देते हैं, स्टेट में कांग्रेस जीत गई लेकिन देखिए लोकसभा सब बीजेपी जीत गई। तो वो एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ अगर बीजेपी दोनों इलेक्शन एक चीज इस चीज को कि ये परसेप्शन ना बनने पाए कि बीजेपी अब बहुत कमजोर हो गई, और ये सही है कि तीनों स्टेट जीतने के बाद फिर कांग्रेस का मोराल बहुत हाई होगा जब कर्नाटक एक इलेक्शन के बाद इतना है, तो ये भी बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। तो अगर एक साथ इलेक्शन बीजेपी कराती है तो इतना मान के चलिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात मध्य प्रदेश में चल रही है और जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ माहौल महंगाई या अन्य चीजों को लेके धीरे धीरे पब्लिक के बीच में ये चीजें बढ़ती जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा के साथ जब मतदाता वोट डालने जाए तो वो विधानसभा के साथ लोकसभा में भी उसी हिसाब से बटन दबा दे, तो वो बीजेपी के लिए बहुत घातक भी हो सकता है। और पूर्व चुनाव कराने का अनुभव बीजेपी का अटल जी के जमाने में बड़ा खराब था, याद होगा आपको, उन्होंने इलेक्शन को थोड़ा पहले कराया, उसका परिणाम क्या है? दूसरा इनकी राम मंदिर की तैयारी में साइन इंडिया का नारा जो था, जी जी, और दूसरा ये कि अभी इनका राम मंदिर का भी चल रहा है कि जनवरी में उसका विधिवत उद्घाटन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले इलेक्शन कराएंगे, वो जानबूझ के इस तरह की चीजों को
सिकुफा वो लोग छोड़ते रहते हैं। और दूसरी एक चीज मैं बताऊं आरपी भाई, जो आपने अभी थोड़ी पहले राहुल गांधी का जिक्र किया, तो राहुल गांधी की भी एक दूसरी पदयात्रा संभावित है कि वो सितंबर से पोरबंदर से शुरू होकर लेके और आसाम तक कहां भी जाने की बात चल रही है। तो अभी बीजेपी के अंदर भी वहां पोक स्थिति है कि ऐसा न हो कि वो यात्रा चले तो उस यात्रा का जो रेजिडुअल इफेक्ट आया कर्नाटक से लेके और तेलंगाना से लेके और मध्य प्रदेश में जो दिखाई दे रहा है, तो कहीं वो इफेक्ट अगर हुआ तो फिर वो चुनाव परिणाम के पहले ही समझ लीजिए कि वो 200 सीटों के नीचे फिर जाने की स्थिति आ जाएगी बीजेपी। तो एक ये हो सकता है कि उनके उस पद यात्रा शुरू होने के बीच में चुनाव डिक्लेयर हो जाए ताकि वो फिर हाच-पाच वाली स्थिति हो जाए। लेकिन बीजेपी के लिए एक साथ चुनाव कराना उनके लिए मेरी समझ से खतरे की घंटी है। और एक जिस तरफ आपने ध्यान दिलाया अभी जो कि प्रियंका जी की मीटिंग हुई और नर्मदा की पूजा के बाद, मेरा अपना मानना है कि इन सब बहस में कांग्रेस को पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक कहा विजय सिंह साहब ने कि भाई जो चुनाव होता है या कोई भी काम आदमी शुभ करने जाता है अपने घर, चुनाव ही क्यों, तो हम लोग की ऐसी मान्यता है कि भाई घर में भी पूजा के स्थान पर जाके एक बार प्रणाम कर लेते हैं, बाहर मंदिर को प्रणाम कर लेते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं कि भाई हमको सफलता मिले। ये तो हमारी एक परंपरा है, हमारी एक अपनी सनातन आस्था का सवाल है ये। तो इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत इसके बहस में पड़ना नहीं चाहिए। वो ठीक है आपने कि राहुल गांधी जिन इश्यूज पे स्ट्रिक्ट है उसके इधर उधर नहीं जा रहे और उसी पर रहना चाहिए। साफ हिंदू तो और हार्ड हिंदू तो क्या मतलब है भाई, ये हमारी सनातन आस्था है। हम मंदिर में जाते हैं, कहां जाते हैं, मतलब हिंदू लोग तो जाके मजारों में चादर भी चढ़ाते हैं, तो ये कौन सी ऐसी बात है। तो इसमें कांग्रेस को सीधे सीधे मुझे लगता है या किसी भी अपोजिशन लीडर को इसकी बहस में पड़ने से इसको इनको अवॉइड करना चाहिए। भाई इससे क्या, आपसे क्या मतलब भाई, आप कौन होते हैं, हम कहां जाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, इससे दूसरे से क्या मतलब है, इसमें साफ ठाट की कहां बात है। मेरी अपनी आस्था है ये, आप होते कौन है ये पूछने वाले भाई, सीधी बात है हमको, ये तो हमारी अपनी व्यक्तिगत चीजें हैं। तो इसमें इस बहस में पढ़ना नहीं चाहिए और बीजेपी इस बहस में लपेटना चाहेगी, वो बार बार इस इश्यू को उठाएगी और ये भी कहेगी कि देखिए हमारी विचारधारा की सफलता है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी भी मंदिर जा रहे हैं, मानो जैसे भगवान ने फ्रेंचाइजी दे रखी है लोगों को उन्हीं के लिए। तो इस बहस में इनको पढ़ना नहीं चाहिए। जी जी, इस तरीके का नैरेटिव ऑलरेडी चलाते रहते हैं और एक से एक बीच बीच में ऐसे ऐसे मुद्दे लाते हैं जिसमें विपक्ष के जो तमाम सियासी दल हैं वो उलझाए जा सके। शायद जिस तरीके से नहीं तो इसको अपोजिशन को और कांग्रेस को बहुत सतर्कता के साथ इस चीजों को निगेट करना चाहिए, उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से बहस में, क्योंकि उसमें जितना पढ़ेंगे तो फिर उसमें उलझते चलेंगे।